भी जानते हैं कि इस वक्त बॉलीवुड टाउन की प्यारी डिंपल गर्ल, 90s की डिंपल गर्ल, सलमान खान की फेवरेट प्रीति जिंटा, जो सबसे प्यारी उनकी दोस्त है, वो बन गई हैं जुड़वा बच्चों की माँ। ट्विंस बच्चों का जन्म हुआ है। अब प्रीति जिंटा जो है 46 की एज में प्रेगनेंसी की बजाय सरोगेसी का ऑप्शन चुनने के लिए मजबूर हुई। सब जानते हैं इसकी वजह क्या है। जी हाँ, बहुत कम चांस होते हैं 40 और 45 प्लस होने के बाद प्रेगनेंसी के कंसीव करने के, जिस कारण एक्ट्रेसेस हो या फिर आमतौर पर महिलाएं, उन्हें लास्ट ऑप्शन या तो IVF या फिर सरोगेसी का माध्यम चुनना ही पड़ता है। सरोगेसी की ऑप्शन को चुनकर प्रीति अपनी पूरी फैमिली को कंप्लीट तो कर चुकी है। दोनों ही ट्विंस के जन्म के बाद खुशी उन्होंने जाहिर कर दी है, लेकिन ये भी सच है कि प्रीति जिंटा जो हैं अपनी फैमिली के पूरा होने पर खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर बच्चों को छुपाकर इस बात को निश्चित रूप से तय कर चुकी है कि विराट अनुष्का की तरह, करीना सैफ की तरह अपने बच्चे के लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, सोशल मीडिया से बहुत डरी हुई है। खैर दोस्तों, आज हम आपके बीच प्रीति जिंटा के बारे में बात करेंगे। सरोगेसी से दो बच्चों की मां बनी प्रीति जिंटा के ससुराल और उनके मायके की बात करेंगे, उनके आलिशान घर की बात करेंगे जहां उनके बच्चों का स्वागत हुआ है। बताना चाहेंगे हम आपको, अमेरिका में ये बस गए हैं परमानेंटली। प्रीति मुंबई भी आती जाती रहती हैं। प्रीति जिंटा ने यह फैसला सडन लिया, सरोगेसी के माध्यम से बेबी प्लानिंग लॉकडाउन में किया है, ये बिल्कुल सच है। अब प्रीति की निजी जिंदगी भी काफ़ी उतार चढ़ाव से भरी रही है। कई ऐसे विवादों का सामना प्रीति जिंटा ने किया है जो कि उनकी जिंदगी का दर्द अतीत में बनकर रह गया है। आज प्रीति जिंटा के अतीत के वो काले राज क्या है, सारी बातें हम आपके बीच डिस्कस करेंगे। स्ट्रगलिंग की जिंदगी प्रीति जिंटा की शुरुआत से ही रही है। पिता की जाने के बाद प्रीति की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव रहा। प्रीति ने फिर भी हंसकर हर मुसीबत का सामना किया है। पैसों को लेकर कितनी प्रॉब्लम में रही हैं प्रीति सब जानते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार ने उनका सपोर्ट जरूर किया। लंदन ड्रीम्स फिल्म से उन्होंने जब बॉलीवुड में वापसी की तो ये फिल्म बॉलीवुड में खास जादू नहीं चला पाई। प्रीति जिंटा फिर नजर आई सनी देओल के साथ, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर पाई बेहतर और ना ही सक्सेस हो पाई उनकी फिल्मों में वापसी। फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरकर प्रीति जिंटा ने बॉलीवुड से फिर दूरी बनाई। इन सब के बीच IPL में भी उनके नाम कई लोगों से जुड़े। मोलेस्टेशन के चार्जेस भी उन्होंने लगाए थे एक शख्स पे जिनके साथ उनका नाम जुड़ा था, बताया जाता है नसवाडिया। इनके अतीत के ऐसे ही कई राज हैं जो शायद आपको मालूम नहीं। तो आइए जानते हैं बॉलीवुड हिडन सीक्रेट में प्रीति जिंटा के बारे में बातें। देखिए रिपोर्ट। ट्विंस बेबीज के जन्म के बाद, बेटे जय और बेटी जिया के जन्म के बाद प्रीति जिंटा और जीन गुडेनफ का परिवार तो पूरा हो गया, लेकिन प्रीति और जीन ने एक बहुत बड़ा काम किया। प्रीति और जीन ने जो है सो अपने बच्चों की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा नहीं की। बिल्कुल विराट और अनुष्का की तरह कह सकते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा है। बताया जा रहा है कि महीने भर प्रीति अपने बच्चे को मीडिया से दूर ही रखेंगी, क्योंकि सरोगेसी के माध्यम से उनके बच्चों का जन्म हुआ है और साथ में ट्विंस बच्चे होने पर बच्चों पे थोड़ी ना प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, इसलिए प्रीति जिंटा थोड़ी सी डरी भी होंगी। खैर यहाँ पर बच्चों का नाम रखने के बाद प्रीति ने खुशी तो जाहिर कर दी, लेकिन प्रीति जिंटा के लिए इस नई जिंदगी की शुरुआत, माँ बनने के बाद के सफ़र की शुरुआत से उनका ये सफ़र बहुत शानदार है और इसके लिए लोगों ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्हें बहुत ज़्यादा जो है सो बधाइयाँ भी देनी शुरू कर दी है। प्रीति ने खुशी जब जाहिर की इसकी तो लोगों ने अपनी तरफ से खुशी पर उनका स्वागत भी किया है। शिल्पा शेट्टी ने लिखा, सो हैप्पी एंड एक्साइटेड हियरिंग दिस ग्रेट पीस ऑफ न्यूज़ माई डार्लिंग, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन माई डार्लिंग, प्लीज़ Sending you Jean and the babies all my love. OMG congratulations, Rakul Preet ने लिखा, Ulyulia Vantur ने लिखा, love, Nargis Fakhri ने लिखा, you are so cute. तो यहाँ पर खुशी जाहिर करते हुए लोग नजर आए हैं प्रीति और जीन गुडेनफ के बच्चों के जन्म पर। लेकिन बात हम प्रीति के अतीत की करने वाले हैं तो काली जिंदगी में उनके ऐसे साए हैं अतीत का जिससे हम आपको रूबरू कराएंगे।
प्यार ही प्यार फैंस दे रहे हैं प्रीति जिंटा को, लेकिन यहाँ पर कंट्रोवर्सी की बात हो रही है तो प्रीति जिंटा का कंट्रोवर्सी से नाम बहुत पुराना रहा है। स्ट्रगलिंग के दिन की बात करें तो अपने बच्चों को लेकर स्ट्रगल करने वाली प्रीति जिंटा माँ बनने से पहले कितनी प्रॉब्लम से जूझ चुकी है। शादी के पहले आपको बता दें, बच्चों और जीन गुडेनफ की उनकी ज़िंदगी में आने के बाद तो खुशियां ही आई, लेकिन पहले उनकी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है। जी हाँ, सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी प्रीति जिंटा का था अपने एक्स बॉयफ्रेंड नेस वाडिया के साथ रिश्ता। डिंपल गर्ल ने मोलेस्टेशंस के चार्जेस भी नेस वाडिया पर लगाए थे। किंग्स इलेवन पंजाब के जब को ऑनर नेस वाडिया थे उस वक्त की ये बात है। प्रीति जिंटा के सलमान खान के साथ क्लोजनेस को लेकर भी कहा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा विवाद घिरा था। और तो और बताया जाता है कि ऐश्वर्या और सलमान के बीच जो है ब्रेकअप की वजह प्रीति जिंटा ही बनी थी, क्योंकि चोरी चोरी चुपके चुपके फिल्म के सेट पर शूटिंग के दौरान प्रीति के साथ सलमान सोए थे, ये बात सलमान खान ने कहा था, जिसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा ऐश्वर्या और सलमान के बीच झगड़े भी हुए थे। जी हाँ, ये आपको बताना चाहेंगे क्रिकेट को लेकर, क्रिकेट टीम के साथ ही वो करियर में आगे बढ़ना चाहती है, उनका इंटरेस्ट बना क्योंकि उनको फ्लॉप करियर से बहुत डर रह गया था। खैर, प्रीति जिंटा के बेबीज़ की बात की जाए तो एक बेटे और बेटी की माँ बनी प्रीति जिंटा ने अपने बच्चों को अपने घर पर प्यार भरे अंदाज में स्वागत किया है, वो उस घर पे जहाँ वो रहती हैं। कॉन्ट्रोवर्सीज की बात हो रही है तो चलिए आपको बता दें, प्रीति जिंटा जब कॉन्ट्रोवर्सी में रही थी तो सलमान खान ने ही उन्हें कॉन्ट्रोवर्सी से दूर किया था। शेखर कपूर के साथ प्रीति जिंटा रिलेशन में रही थी। बताया जाता है शेखर कपूर की वाइफ सुचित्रा कृष्णामूर्ति ने इल्ज़ाम लगाया था प्रीति पर कि शेखर से उनके सेपरेशन के पीछे प्रीति जिंटा ही है। नेस वाडिया के साथ जो है सो प्रीति जिंटा ने शादी कर ली थी, ऐसी अफवाहें उड़ी थी और उसके बाद इन दोनों का ब्रेकअप भी हो गया था। जेन गुडेनफ के साथ जो यूएस बेस्ड बॉयफ्रेंड थे उनके साथ लॉस एंजल्स में प्रीति ने शादी कर वहीं शिफ्ट होने का फैसला लिया था। कुछ साल बाद फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी प्रीति जिंटा किंग्स इलेवन पंजाब जब कॉन्ट्रोवर्सी का सामना कर बैठा। सलमान ने ही फिर प्रीति जिंटा की मदद की थी, फिर लेटर प्रोड्यूसर बनी वो। इश्क इन पेरिस फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस किया और एक्टिंग भी उन्होंने की। फेल हुई वो फिल्म को लेकर राइटर डायरेक्टर अब्बास टायरवाला ने उन्हें पेमेंट को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से घेरा, FIR उनके खिलाफ कर दिया। और बताया जाता है कि क्या कहना, फिल्म के सेट पर डेब्यूट करने वाली प्रीति जिंटा को साल 2000 तक रिलीज से पहले प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, प्रीति जिंटा का शाहरुख खान के साथ जो है रिश्ता बहुत खास रहा है। जी हाँ, 34 गर्ल को उन्होंने ऋषिकेश में ऑलरेडी अडॉप्ट किया है और ऑर्फनेज उन्होंने अपनी माँ नाम रखा है मदर मिराकल के नाम से और माँ जादूगर नाम दिया है उन्होंने ऑर्फनेज का। एक इंटरव्यू में कॉफ़ी विद करण में प्रीति जिंटा के बारे में तुषार ने कहा बोटॉक्स प्रीति जिंटा ने कराया था और इसकी वजह से वो बहुत गुस्से में थी और स्लैम किया था उन्होंने तुषार को। उन्होंने कहा ये रबिश है। प्रीति जिंटा के पिता का निधन कार एक्सीडेंट से हुआ था जब वो 13 साल की थी और उनकी मॉम तब से बेड रिडन रही थी और 2 साल तक एक्सीडेंट के बाद वो बेड रिडन रही थी, जिससे प्रीति जिंटा को काफ़ी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा था। बहुत कम ही लोग ये बात जानते हैं, लॉस एंजल्स में प्रीति जिंटा का ये घर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर उनके बच्चों का स्वागत हुआ है। प्रीति ने एक बार अपने हस्बैंड के बारे में कहा कि वो पुअर है और फेमस नहीं है, तो उन्होंने कहा मैन आई सो विश आई कुड बी पुअर लाइक जो गुड ओली जेन, ही इज़ ओनली वर्थ अ पैल्ट्री $30 million आफ्टर ऑल, वॉट इज़ दैट राइट, अ मेयर एवेपोरेटेड ड्रॉप इन द ओशन ऑफ वेल्थ इज़न्ट इट, वेल रिगार्डलेस ऑफ योर काइंड कंसर्न फॉर हर जीन सीम्स टू हैव बीन इन गुड इनफ फॉर प्रीति जिंटा। ये बताया जाता है कि प्रीति जिंटा को लेकर ऐसे जवाब हुए थे। $30 million की संपत्ति प्रीति जिंटा के हस्बैंड के पास है और वो काफ़ी रिच हैं अपने स्टैंडर्ड की वजह से। $15 million तो प्रीति जिंटा के पास है, तो उन्हीं संपत्ति उनके पति के पास है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से ऋतिक रिपोर्ट। तो दर्शकों, आपने जाना आज हमारे इस शो में प्रीति जिंटा के बारे में। आज आप सभी ने जाना प्रीति जिंटा के
पास्ट लाइफ के बारे में उनके डार्केस्ट सीक्रेट्स हमने आपके बीच रिवील किए हैं और फिलहाल घर में गूंजने वाली नन्हे बच्चों की किलकारियों की बात की है। जय और जिया नाम रखा है प्रीति ने अपने दोनों ही बच्चों का सरोगेसी के माध्यम से। इन दो बच्चों का जन्म, जुड़वा बच्चों का जन्म प्रीति की जिंदगी में होने के बाद पूरी उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है बॉलीवुड हिडन सीक्रेट का आज ये शो हम आप सभी के बीच जो पेश कर चुके हैं इससे आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड होंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए और एंटरटेनमेंट की दुनिया के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को यानी कि नेक्स्ट 9 न्यूज को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फटाफट खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं। साथ में अपना रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में भेजना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय, टेक केयर।